नमस्कार दोस्तों, एनसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के टेट टेस्ट चल रहे हैं। लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आज है दोस्तों 21 अगस्त और आज सेंटर से बच्चे जो है अपने बाहर निकल के आ चुके हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम सेंटर से बच्चे जो है 11 बजे तक छूटने लगते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए उसी समय से वीडियो उपलब्ध करवाने लगता हूँ। आप लोगों को हर एक बंदे का एक्सपीरियंस ध्यान से सुनना है, आपका होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ आप लोगों को हर बंदे का अलग अलग अनुभव बता सकता है। क्योंकि जो बंदे सेलेक्ट होते हैं उनका कुछ और कहना होता है और जो बंदे सेलेक्ट नहीं होते उनका कुछ और कहना होता है। हकीकत क्या है आप लोगों को खुद जाके देखने होगी। यहाँ तक कि जो बंदों का कुछ कहना है, मैं हर एक सच सामने आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों को हर एक एक्सपीरियंस पूरा ध्यान से सुनना है। और आप लोगों के भी यदि कोई भी डाउट हैं, कोई भी डाउट हैं, तो आप लोग मुझे पर्सनली जो है कमेंट कर सकते हो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मेरे पास मैसेज आ जाता है, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों को देता हूँ। और आप सभी को जो है मेरी ओर से शुभकामनाएं। इन भाई का कुछ इस प्रकार का कहना है कि आरपीएफ टेट टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा धांधलेबाजी चल रही है, तो इसको आप लोगों को पूरा ध्यान से सुनना है कि इनका क्या कहना है और किस प्रकार से, यदि आप लोगों का भी ये होता है तो आप लोगों को करना क्या होगा। यदि ये सब चल रहा है तो हम लोगों को एक इकट्ठा होना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आरपीएफ टेट टेस्ट के जितने भी बंदे, उन लोगों के लिए नीचे आरपीएफ टेट टेस्ट नाम से मैंने चैनल क्रिएट किया है, सभी से निवेदन है कि उसी चैनल पर पहुंचें, उसी चैनल पर अपडेट करें, उसी चैनल पर अपने जो है अपने आप को पुट करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे से जो कोई भी अपडेट होगा आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। इस चैनल पर हमारी एकेडमिक क्लासेज जो है शुरुआत होने वाली हैं, तो सब कुछ आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो उस चैनल को भी ज़रूर और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, 21 अगस्त का आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर हाँ सर, सर नमस्कार। आपका आपका टेट टेस्ट हो गया सर? हाँ सर, हो गया। किस दिनांक में था सर आपका टेट टेस्ट? आज ही है सर, 21 अगस्त 2019 को। सर कितने बजे आप इतनी जल्दी जल्दी बाहर आ गए सर, इतनी जल्दी छोड़ दे रहे हैं सर वो? सर जो फेल हो रहे हैं उनको बाहर जल्दी छोड़ रहे हैं। हाँ सर, तो जो है आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ सर, तो जो है सर मैं बताना चाहूँगा, सर बीच बीच में कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, तो उनको भी आप जो है बताते रहना और अपना अनुभव थोड़ा सा। सर ये माइक प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा शांत जगह खड़े हो जाइए सर, एक जगह। अच्छा सर, आवाज नहीं आ रही किसी? सर आ तो रही है लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मतलब कट रही है, तो एक जगह खड़े हो जाइए सर। अच्छा हाँ सर, बोलो। हाँ सर, आवाज तो नहीं आ रही? अब आ रही है सर क्लियर। तो आप जो है अपना एक एक अनुभव किस प्रकार से क्या करवा रहे हैं, क्या क्या था आज, ये हर दिन कुछ नया नया, अच्छा। हर दिन कुछ नया नया हो रहा है सर, मैं देख रहा हूँ हर दिन कुछ नया अपडेट हो रहा है। हाँ सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सर जैसे वहां पे सर पहले, सर 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 इसी बात से मतलब एक एक चीज क्लियर करके आपको बताना है और क्या क्या हुआ सब कुछ आपको बताना है। ओके हाँ ओके सर, पहले तो 20-20 गेट में एंट्री लेने के बाद 20-20 लड़कों का बेच बनाते हैं, हाँ फिर अंदर लेके जाके उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ सर, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद में 10-10 लड़कों का बेच बना रहे हैं, दस दस लड़कों का बेच बना के, और फिर उनको है ना वहाँ पे हॉल में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे DIG वगैरह, IG, IPS अधिकारी बैठे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ले जाके बैठा है। फिर 10-10 को लाइन में लगा दिया, 10-10 बच्चे को, फिर 10 बच्चे को लाइन में लगाएंगे वो अधिकारी, उनसे नाम पूछते हैं पहले। फिर नाम पूछने के बाद में फिर उनको जैसे ये पानी में शायद डिटोल मिला रखा था बोतल में, और व्हाइट बोतल थी, तो उसको सभी को केक को देते जाओ और आगे आगे बोले कि आगे आगे चलते जाओ बोतल को, इसमें क्या है, इसमें ये से पूछा था उसमें। उसमें पूछा था, लड़के बता रहे थे, आधे थे बता रहे इसमें फिनाइल है और आधे बता रहे थे इसमें डिटोल पानी है इसमें। सर आप ये बताइए पहले कितने बजे एंट्री हुई, आप किस प्रकार से पहुंचे दिल्ली? एंट्री तो 5:30 बजे एंट्री हो गई थी सर, मैं तो इधर जयपुर से दिल्ली सराय रोला डायरेक्ट गरीब नवाज एक्सप्रेस में आया था। तो किस प्रकार से मतलब, और फिर एक ये यहाँ से दिल्ली सराय रोला से 500 मीटर दूर है वो कैंप, 500 मीटर दूर है, तो उस हिसाब से फिर बाद में एक को पूछा। फिर एक साबुन की भट्टी थी, रूम फ्रेशनर था, पता नहीं साबुन थी कौन सी थी, रूम फ्रेशनर था वो, तो उसके बारे में पूछा कि ये क्या है। फिर बाद के अंदर उसको रखा दिया, फिर ये दो चीज पूछे उसको, फिर बाद में बोले कि फूल झाड़ू से टाइल्स में थोड़ा सा झाड़ू निकालो 10-5 मीटर तक,
फिर फुल गार्ड निकला, फिर बोले कि रहने दो फिर आ जाओ, फिर वापिस आके लाइन वाइज लगवाया दोबारा। और फिर बाद में एक लड़के का नाम पूछा कि तू तो क्या कर रहा है, फिर उनको एक्सपीरियंस पूछा उनको कि तुम पहले काम किया हो कि नहीं हो, इस हिसाब से पूछा। और फिर पूछने के बाद में क्वालिफिकेशन पूछा कि तुम्हारी हायर एजुकेशन क्या है। फिर बाद के अंदर उसको बोला कि इधर आ, एक लड़के को बोला आ गया, फिर वो नाम बताया, फिर बोला कि महाराष्ट्र का है क्या, फिर बोला कि हाँ, फिर बाद में उसका नाम बोल के उसको आगे कर लिया। फिर उसी लड़के को पास किया 10वीं से हमारे बीच में, तो जैसे नाम बोल रहे थे ना वहाँ पे आजी साहब, बस उसी लड़की को पास किया है और कुछ नहीं है। और जिस वो लड़के ने जो बताया था वो को वही मैंने बताया था, मैं उसके पास ही खड़ा था, जो वो जैसे किया वैसे मैंने किया, मेरे को कुछ नहीं बोला, बस एक लड़के को पास किया था 10वीं से। मतलब सर एक बार वो बताइए, मतलब क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या था वहाँ पे सर, मतलब पूछा टेबल सर पे क्या क्या पानी सामान में रखा हुआ था। डिटोल, पानी की में डिटोल मिला के व्हाइट बोतल में रख रखा था। हाँ सर। तो वो पूछ रहे थे कि इसमें क्या भरा हुआ, कौन सा लिक्विड है इसमें, फिनाइल है या डिटोल है, क्या है इसमें, ये पूछ रहे थे। हाँ और एक चीज पूछा, एक व्हाइट बोतल थी उसमें तेजाब रखा हुआ था, तो उसको देख के या तो ढक्कन खोल के चेक करके बता सकते हो, सूंघ के उसको कुछ भी, या फिर उसको देख के बताओ कि इसमें तेजाब है ये क्या है। और झाड़ू वगैरह लगवाई, और एक वो रूम फ्रेशनर था साबुन की बुट्टी की जैसे, तो उसका पूछा कि ये क्या क्या नाम है इसका, बस ये चीज पूछा था। और झाड़ू निकलाई थी बस 10-5 कदम, और कुछ भी नहीं करवाया, और कुछ भी नहीं करवाया। और कुछ भी नहीं करवाया। साइड में टेबल पे रखी हुई थी, फिनाइल था, तेजाब था, और ये डिटोल था, हाइपर था, ऐसे कुछ सामान रखे हुए थे, उनमें से अलग अलग को अलग अलग चीजें पूछते बस। और थोड़ा सा झाड़ू निकलवा लेते वहां पे हॉल के अंदर, ये टाइल्स लगा हुआ, उससे टाइल्स पे लगाने का तरीका वगैरह देख के चल चलो रहने दो। मीन्स मतलब वो तो सब कुछ क्या मतलब ये नहीं देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, वो तो ये देख रहे हैं कौन कैसे सर, कर वो रहा है। कोई कितना एक्सपीरियंस हो कोई दिक्कत नहीं, वो उनके जच्चे की उसको पास करेगा या जिसकी सेटिंग होगी उसको पास करेगा। मतलब आप भी बोलना चाहते हो सर सेटिंग है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा, बिल्कुल सर। मतलब मेरे साथ वाले लड़के हम दोनों साथ गए थे, जो वो उसने बताया वो का वही मैंने बताया, जो उसने किया काम वही मैंने किया, उसको पास मेरे को फिर। ऐसा और उसको नाम, हाँ वो उसको आगे बुलाया, बोला कि नाम क्या है, वो नाम बताते, बोला कि तुम महाराष्ट्र के क्या, तो आप बोला कि हाँ, वो शायद वो सामने वाला डीआईजी वो महाराष्ट्र वगैरह का था उधर, तो बोला था कि कौन सी जगह का है महाराष्ट्र का, देना वो बोला कि तो उसको पास कर दिया बस। मतलब महाराष्ट्र के नाम से ही पास हो गया। हाँ वो डीआईजी वो था ना सामने महाराष्ट्र वाला था, महाराष्ट्र का था, एक 3-4 डीआईजी बैठे थे उधर, ऐसा भी है क्या। हाँ वो बोला कि नाम बोला उसकी पता नहीं, कोई पहले जानकारी होती है कि, और जानकारी भी चल रही थी सर, एक दो साथ थे जो बाहर थे, एक लड़की जो पहले थे उसको बात किया गेट पे किसी कांस्टेबल के साथ, और फिर अंदर आया, फिर अंदर आके हमारे अंगूठे फिंगरप्रिंट हो रहे थे उधर, वहां पे बीच में से उस लाइन में से एक लड़के को निकाला, और फिर बोला कि सर एक इसने एक स्टार वाला था ऐसे वगैरह कुछ था, उसको बोला कि रूप जी ये लड़का देखो, फिर वो उसको बाहर निकाले, उसको अंदर वापस लाइन के कर दिया, और उसको भी पास कर दिया था, लास्ट में हम देखे थे उसको भी पास कर दिया था। मतलब ऐसा भी है, मतलब शुद्ध धांधलीबाजी चल रही है। बिल्कुल चल रही है सर, बिल्कुल 90% धांधलीबाजी है, 10% में से उनके जज जाए उसको पास कर दिया, कोई एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं काम, बस ये 10-5 चीज रखी हुई थी, उनका नाम पूछे थे क्या काम आती है और तुम क्या करते हो ये पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन भी किया था सर उसने, कहना क्या क्वेश्चन किया था वैसे जीके का क्वेश्चन किया था एक लड़के से, वो कब था क्या बनाया कैसे बनाया कहाँ था ऐसे पता नहीं कुछ क्या क्वेश्चन किया, वो अच्छे से समझ नहीं आया। और तो कुछ नहीं, फर्जीवाड़ा चल रहा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो मैंने किया वही उस लड़के ने किया, वो बताया वही मैंने बताया, फिर भी उसको पास मेरे को फेल, तो 10 में से 1, 20 में से 2 लड़के को पास कर रहे बस। और तो कुछ नहीं, बस आगे स्टेशन अब जाएंगे, कोई ट्रेन मिलेगी तो। आगे तो अब स्टेशन ही जाना है, जब ट्रेन मिलेगी तो। सही है आपका भी कहना। और तो कुछ नहीं, वैसे वैसे वो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई साफ करवा रहे वो कुछ नहीं है, बस टेबल पे 10-5 चीज लिखी है, फिनाइल हाइपर वगैरह तेजा वगैरह और डिटोल वगैरह, उनके नाम पूछ लेते,
ये क्या काम आता है, बस ये पूछ के थोड़ा सा झाड़ू निकला लेते किसी से बस, और बाकी जाओ बोले बस, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं करवाते। खास नहीं 2-4 मिनट पूछते हैं नाम पता वगैरह उनका, बोले कि जाओ कोई दिक्कत नहीं, बस किसको पास करना है वो अपनी मर्जी से कर देंगे, किसको करना है। सर आप इस बारे में कुछ मतलब अपने भाइयों को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि सर इस पे मैं भी थोड़ा काम करना चाहता हूँ। कि भाइयों को क्या, जैसे इसमें जो कोई एक्सपीरियंस वाला को लड़का कोई हो, देखो सर मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने टेट टेस्ट किया है ना उस हिसाब से, कि हाँ सर, जैसे इसमें कोई एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा, कोई जरूरी नहीं कि जिसको एक्सपीरियंस है फुल वही पास होगा, जिसके ऊपर पता नहीं जज आए DIG के भाई इसको पास करना है तो उसको कर देंगे, जिसको फेल करना है वो फेल हो जाएंगे, उस हिसाब से है। और तो कोई वैसे कोई बड़ी चीज है नॉर्मल, वो डिटोल वगैरह उनको बारे में, RP वगैरह उनके बारे में नाम पता कर जाओ, ये क्या चीज है क्या काम आती है, बस ये 2-4 10-5 चीज है ना उनको रट जाओ, और झाड़ू चलाना सीख लो, उस तरीका देखते हो किस हिसाब से चला रहे, झाड़ू कैसे चलाना है सर, और तो कुछ नहीं करवा रहे बस। कैसे हुआ मतलब ये बताइए, मतलब झाड़ू कैसे चलवा रहे हैं सर, कैसे हुआ था, हेलो, मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं, किस प्रकार से झाड़ू चलाना है आप ये बताइए अपने भाइयों को। झाड़ू तो किस चलाए, फूल झाड़ू जैसे घर में चलाते हैं उसी हिसाब से, बीज ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ के उसको पकड़ के आराम से चलाओ, उस कचरे को अच्छी तरह साफ कर दो, और तो क्या बस बस। और तो झाड़ू वगैरह तो वो कुछ नहीं देख रहे, वो तो एक तो डिटोल में पानी मिला रखा था उसका पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है, और तेजाब वगैरह की बोतल थी उसमें तो बोल रहे कि ये क्या चीज है, और एक वो रूम फ्रेशनर था तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है, 3 चीज पूछा था, और हार्पिक वगैरह 2-4 आइटम और थे, कपूर की गोलियां वगैरह वो पड़ी थी, वो अलग अलग लड़के को अलग अलग पूछते, हाँ, बस किसी को ये भी मतलब पूछ के सेम बस सेम का नहीं कोई करते। सिस्टम नहीं है, सेम सेम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सब चीज़ सब लोगों से अलग अलग पूछ रहे हैं। हाँ हाँ ये भी आपका कहना सही है। हाँ आप ये और बताइए सर कि मतलब जैसे कि कुछ बंदों का तो जो होता जा रहा है और जो है कुछ लोगों का है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट हाँ करना चाहते हो सर, मतलब किस प्रकार से क्या क्या करना है, कि उन बंदों का जरूर सिलेक्शन होना चाहिए सर, अपन कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, जैसे जो लोग अपन को रेगुलर वॉच कर रहे हैं उन लोगों को कुछ तो फायदा हो अपने चैनल का। फायदा तो ये है कि वो जो भी लड़के जाए ना, ये 4-10-5 आइटम है ना, ये मेन मेन चीज जो काम करते हैं, जैसे बाथरूम साफ करने के लिए आरपी वगैरह, एसिड वगैरह, फिनाइल वगैरह, कपूर वगैरह, रूम फ्रेशनर वगैरह, ब्रश वगैरह, इनका ध्यान रखे, ये इसका क्या नाम है और क्या काम आता है, बस ये चीज ध्यान रखे, और काम वगैरह कुछ भी नहीं करवा रहे, न कोई वाइपर लगवा रहे, न कोई पोचा लगवा रहे, मैं कोई बाथरूम साफ टॉयलेट साफ कुछ भी नहीं करवा रहे, बस एक छोटा सा हॉल है उसमें IG बैठे हैं, वो नाम पूछते हैं इनका क्या काम है, नाम पूछते हैं बस, और कुछ नहीं करते, इतने से और क्या सजेस्ट बस वो किया नाम सकता देख है। के जाए, और थोड़ा सा झाड़ू लगाने का तरीका देख के जाए, अच्छे से साफ करे, बस ये चीज देखे, अब उसमें उनके डिपेंड है कि किसको पास करना है किसको नहीं करना है, किस्मत में होगा तो पास हो जाएगा नहीं तो फेल हो जाएगा, क्या वैसा है सर, और तो कुछ नहीं है, और तो जो यहाँ पे आएगी लड़की वो अपने आप देख लेगी कैसा है। हाँ ये भी आपका कहना सही है सर, तो मैं तो क्या है इसी के लिए एक और वीडियो जो है, आपने पहले से मेरा वीडियो वॉच कर रखा था क्या सर? ज्यादा देख रखा था, एक भी वीडियो नहीं छोड़ी, हाँ सर तो आप बताइए, जो कुछ जो वीडियो में बताते वही सब कुछ करवा रहे हैं ना सर? करवा रहे तो वही है, सही भी है वो, हाँ लेकिन जैसे अलग अलग बेच में थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट काम करवा देते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो फिर पूरी बात ही लीक हो जाएगी, फिर उनकी प्राइवेसी क्या हाँ रहेगी, मुझे ऐसा जैसे लग रहा हमारे है। के जो काम करवाए ना वो पीछे वाले बेच को बता देते, वो लड़के बता देते आप सर क्यों, आपस में बता देते हैं। मेरे पास भी कल मैसेज आया था इस प्रकार से, सर आप ये सब चीज़ जानकारी लीक क्यों कर रहे हो, तो मैंने पूछा आप कौन, मतलब वो कोई RPF वाला ही बंदा था, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, RPF का बंदा नहीं मतलब RPF का कोई ऑफिसर ही था, मतलब ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हो, जानकारी लीक हो जाएगी केस हो हाँ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं सर है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है, 101/37, अब चल रहा है तो इसके लिए तो हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 800 जगह हैं और लोगों को हाँ कुछ कोई सभी लोगों के लिए इक्वलिटी तो रखना चाहिए, इनइक्वलिटी क्यों कर रहे हैं ये मेरी भी पता समझ नहीं नहीं आ रही। कैसे, जैसे एक्सपीरियंस वाले रह जाएंगे, बिना एक्सपीरियंस वाले निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मेरा एक दोस्त था वो 2 बार सुपर का टेस्ट पास किया, उसको फेल कर दिया, अच्छा
उसमें बीएसएफ में भी किया हुआ है, एसएसबी में भी 2 बार ट्रेड टेस्ट किया हुआ है, वो उसको भी फेल कर दिया आज। ये तो धांधलीवाजी चल रही है। उस हिसाब से तो फिर फर्जीवाड़ा माना जाएगा। जब लड़का 2 बार पास हो गया तो इसको अबकी बार तो एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए ना उसका, तो हाँ फिर उसको कैसे फेल किया? सर, ट्रेड का डिप्लोमा वगैरह लग रहा है क्या ये? और बताइए सर कुछ बच्चों का जो सर है। डिप्लोमा वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे, बस उनको तो एंट्री करने के बाद में जो पास हो जाएगा उसको फिर बाद के अंदर मांगेगी। एक्सपीरियंस वगैरह कोई नहीं मांग रहे, पूछते हैं लेकिन काम किया है तो कौन सी जगह काम किया है वो पूछते हैं बस, और वगैरह ये नहीं बताया जाता कि मैं होटल में काम किया हूँ और मैं कॉलेज में ये किया हूँ, और क्योंकि फिर वो होटल के लिए बोलेंगे तो फिर बोलेंगे लगा बेडशीट लगा, इसमें क्या क्या काम आता है, इसमें तेरे को रूम बेड लगा, उस हिसाब से पूछते हैं। बोला यदि अपन ने बोल दिया ज्यादा होटल नहीं का। बता हाँ ज्यादा नहीं बताया, ज्यादा बताते हैं तो फिर वो ज्यादा पूछता है, और पास भी उसी को करता है जिसको दस्ते की क्या ज्यादा बताएगा ना कोई लड़का है तो उसको ज्यादा पूछेगा कि मतलब बता तू होटल में काम किया तो क्या क्या काम किया, किस हिसाब से काम किया, क्यों छोड़ दिया, क्यों पहले करता था अब कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिनों में क्या कर रहा था, कब से कब काम किया था, इस हिसाब से पूछते हैं। पर तूने एक्सपीरियंस किया तो कब से कब किया था, और उन्हें डिग्री पूछ लेते कि कौन सी डिग्री तू कब कब किया, 10th कब किया, 12th कब किया, कैसे पूछ लेते। मतलब फिर वो फंसाते हैं, घुमाते हैं। हाँ एक लड़के पूछे कि तूने 10th 12th ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में किया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसमें किया, फिर वो लगी नहीं नहीं सर इसमें किया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के छोड़ बस इतने में खत्म कर देते। दिया उसको। हाँ ऐसे ऐसे देखो वो पास करेगा उनके ऊपर डिपेंड है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कोई काम नहीं करेगा, बस 2 4 वो नाम पता वगैरह देख जाए और कोई दिक्कत नहीं, वो क्या काम आती है, कौन कौन सी चीजें दैनिक जीवन में काम में लेने वाली नॉर्मल चीजें वो पूछते हैं, ऐसा। और सर मैं और एक भी तो कोई वीडियो के दिक्कत। माध्यम से एक सूचना देना चाह रहा था सर, ग्रुप सी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके संपर्क में, जो कोई भी हो ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, ग्रुप ग्रुप डी के नहीं सर, ग्रुप एफ का था आज। एफ का था, ग्रुप को क्या कहते हैं, सी के भी एडमिट, डी के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं ना सर। हाँ सर डी के आगे, लेकिन डी के तो कोई पता नहीं कौन लड़का है कौन भी है। जैसा है। हाँ और सर मींस क्या करें, अब समझ क्या नहीं आ रहा है सर। मतलब इस प्रकार से धांधलीवाजी चलेगी तो फिर मेरा भी हौसला कम होता जा रहा है, मैं बच्चों को क्या बोलूंगा, मतलब क्या करूंगा अब। हौसला तो होएगा सर तुम्हारा, क्या जो लड़के फेल हो रहे हैं उनका ज्यादा होता है। सर मेरा और भी ज्यादा होता है क्योंकि मैं ये सब कुछ करवा रहा हूँ और हाँ सही है, आप इसको उठा रखे हो इस बोझ को तो हाँ ये उस भी आपके हिसाब से कहने है, से और है। तो क्या है, वो अपनी मर्जी से करेंगे, जिसको करना है जिसको नहीं करना है। और हाँ तो मेरे सामने अधिकारी किसी लड़की को पूछ के वो लगी अजरा क्या नाम है पूछ के, वो जो बाहर घूम रहे थे वो ही अंदर डीआईजी के पास पहुंच गए थे, उस हॉल में जहाँ पे टेस्ट हो रहा था ना वहाँ पे हाँ तो अफसर में जाके बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, एक लड़के को मेरे बेचवाड़े में उसको पास किया मीन्स उनसे पर्सनली बातें चल रही हैं, जो लोग पास हो रहे हैं उनसे, क्या। जो लोग पास हो रहे हैं उनका पर्सनल बातें चल रही हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हो। हाँ उनको पर्सनली शायद पहले जानकारी थी तो उसे कॉल करके आए थे, वो बाहर मिल रहे थे फिर अंदर आए, जिस हिसाब से बेच में वो आके देख रहे थे बार बार में कौन सा बेच में आ गया, कौन सा बेच निकल गया, कौन सा बेच अंदर जा रहा है, उस हिसाब से। हाँ उस हिसाब से मतलब बच्चे ऑटोमेटिक अंदर जा रहे हैं, मतलब वो उन लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, जातो बेच के साथ ये जैसे तीसरे बेच में किसी का नाम आ गया ना तो उसका वो जानकार मिलेगा तो वो देखेगा भाई तीसरा बेच अंदर जाएगा तो उसके साथ साथ ही उधर वो पीछे में चला जाएगा जहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो रहा है, फिर वो आते बोल देगा ये लड़का है मारा वगैरह, उस हिसाब से कर लेते हैं। हाँ चलो सर देखते हैं, अब इसमें अपन कर भी कह सकते हैं, अब जो हो रहा है वो तो होगा ही, बस बच्चों को इतना है कि ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना होगा, और इसमें अपन और क्या कर सकते हैं सर। बेस्ट देखो, और कोई दिक्कत नहीं है, वो जिसका होगा उसका हो जाएगा, जिसका नहीं होगा वो आगे देखे दूसरी जॉब की। बस सभी को क्या हताश नहीं होना है सर, आपका भी हो गया कोई हाँ बात नहीं, हताश, फेल पास तो क्या होता रहता है। हाँ वही तो हताश नहीं होना है। हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, दूसरी जॉब की तैयारी करे, इस पे कोई डिपेंड नहीं है।
बस इसमें कोई डिप्रेशन नहीं लेना है, वही मैं बोलना चाह रहा था सर। इसी प्रकार से इसमें सब बच्चों को 1% भी नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उनके जच्चे की उस हिसाब से होगा। पता नहीं कि कोई बिल्कुल ही काम नहीं है तो उसको पास भी कर दे, कोई जिसको काम आ रहा है उसको फेल कर दे, वो कोई दिक्कत नहीं। सर आप तो जो है आप भी अपनी नई जॉब की तैयारी कीजिए, आप भी परेशान ना हो सर बिल्कुल भी। क्या सर? आप भी अपनी नई उसकी तैयारी कीजिए, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से छोड़ दो, अगर हो तो सही, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जॉब की तैयारी। बस बस बस, बस आपने ज्यादा परेशान, आपको भी नहीं होना है सर। हाँ ज्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा वगैरह चला रहे मेरे हिसाब से तो, यदि और लड़कों का भी और लड़कों का भी यही कहना था। हाँ और लड़कों का भी मैंने और वीडियो डाल रखा है ना, जब जो मेरे सामने जो कुछ भी आता है मैं सब कुछ डालता हूँ। हाँ सही बात है, लेकिन क्योंकि लड़कों को पता तो चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। और वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हर एक चीज मतलब बंदों को मैं क्लियर करवा के फेंकता हूँ जो कुछ भी हो। यदि इस सही है प्रकार सर, से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यदि मैंने ही नहीं किया तो फिर और कौन करेगा। सही बात है। चलो अच्छा है सर, बहुत बहुत सर। आप बच्चों से कुछ और कहना चाहते हो सर? और तो बस बोल दिया सर, जो इसने बोला वो काफी है, बस बच्चे बस आराम से करे, घबराए वगैरह कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको पास होगा वो हो जाएगा, जिसको फेल होना है वो हो जाएगा। ये भी सही है। हाँ बस उसके 10-5 आइटम झाड़ू वगैरह, वो झाड़ू थोड़ा सा चलाना सीख ले, बस 2 मिनट 10-15-20 सेकंड झाड़ू लगा दे, बस 10-5 कदम वही इसको इस तरफ ले जाए, इसको कचरे को इस तरफ, थोड़ी सी मिट्टी रहती है टाइल्स पर उसको बस, और कुछ नहीं करवाते, झाड़ू तो ये चलवाते, और उसका पकड़ने का तरीका वगैरह देख के चलो इसको चला दो, और उसका नाम पूछते हैं बस, वो फिनाइल है, एसिड है, RPK है, कपूर की गोलियां है, रूम प्रेशर है, ब्रश है, ये वाइपर है, इसी ऐसे नाम पूछते बस, ये क्या नाम है क्या काम आता है बस, और कुछ भी नहीं करवा के नहीं देखते, बस झाड़ू झाड़ू निकलवाते हल्की सी 10-5 कदम बस। बस और काम को वगैरह कुछ नहीं करवाते, बस पूछते हैं और जिसको पास करना है उसको कर देते हैं, बाकी जाओ बाहर। अब ये तो सर कुछ नहीं, नहीं कह सकते। देख लेना आपके कोई लड़का जिगरी आदमी हो तो वो आए तो वो बता देगा आपको इसी प्रकार से आराम से। हाँ हमारे तो और भी बच्चे अंदर घुसे हुए हैं, वो उनसे भी सब कुछ जो है। हाँ आराम से पूछने, आपके कोई साथी है ना कोई जिगरी, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो आराम से सच बताएगा आपको, उसको पूछ लेना ये याद है। ये भी आपका कहना सही है, सही है ना। सर जो है आपने अपना जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया, अब और क्या आप आराम कर से बता दिए, मैं तो पूरी तरीके से अच्छे से जो कुछ है सब कुछ आपने क्लियर रख दिया। हाँ सब बिल्कुल क्लियर 100%। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए दिया सर, और कुछ आप बोलना चाहो तो बोलिए सर। और तो और द बेस्ट है सर सभी लड़कों जो जा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन यदि धांधलेवाही चलेगी तो कोई ऑल द बेस्ट कुछ नहीं कर सकता सर, मैं खुद इस बात से हाँ परेशान वो हूँ। बात ही सही है सर, ट्रेड की बढ़ती है, मैं ऐसे ही कहते हैं। ठीक है सर, इस पर अपन और भी काम करते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को। अब मैं भी एक यूनियन तैयार करता हूँ, देखता हूँ अब कब तक हाँ सर चलती है। करो 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 ओके सर, बिल्कुल ओके ठीक है, सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो है आपने अपना भाइयों को एक्सपीरियंस दिया।